मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट ईवीएस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 8। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9, सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन। ओके, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, कंजर्वेशन मीन्स उसको किस प्रकार हम बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन। सॉइल इज प्रीशियस फॉर ऑल फ्रॉम लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए, जो मिट्टी होती है वो बहुत लिविंग थिंग, जो क्या होती है, हमारे लिविंग थिंग्स के लिए अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गिव्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स द प्लांट्स नीड्स टू ग्रो। और ये क्या करती है, ये प्लांट को ग्रो करने के लिए हर एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग डिपेंड प्लांट्स फॉर फूड एंड मेनी अदर थिंग्स। और जो एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी अपने प्लांट में फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और दूसरी चीजों के लिए भी वो प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। विदाउट सम देयर वर्ल्ड बी नो प्लांट्स एंड नो फूड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। यदि हमारे अर्थ पे प्लांट्स और फूड नहीं रहेगा तो एनिमल्स और हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। सो यू कैन इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट सॉइल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि अर्थ पर मिट्टी नहीं रहेगी तो हमारी लाइफ किस प्रकार हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू टिनी पीसेस। अब जो सॉइल होती है वो किस प्रकार बनती है, देखिए, जो चट्टान होती है उसके जब वो टूटती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। द हीट ऑफ द सन, वाटर, विंड एंड आइस कैन ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट सॉइल। और देखिए, जो हीट होती है, सूरज की गर्मी होती है, वाटर होता है, पानी होता है, जो हवा होती है, जो आइस के टुकड़े होते हैं, वो सब मिट्टी को बनाने में हेल्प करते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रीडियंट टू द मेक ऑफ सॉइल इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रीडियंट जो है सॉइल को बनाने में वो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, मीन सजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं। डेट आर फाउंड ऑन इट इन इट, जो क्या होती है, जो पाई जाती है। दिस लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो वो क्या है, जो लिविंग है वो क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जिन्हें ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। दे टर्न इनटू द सैंड, सिल्ट एंड रॉक पीसेस, जो काय में बदल जाते हैं, रेत में, सिल्ट और रॉक चट्टानों के टुकड़ों में, चट्टानों के टुकड़े होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेत में। ओके, These pieces are carried away by water or blow away wind by। देखिए, ये जो टुकड़े होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बहा के लाए जाते हैं। These pieces change into sand, और यही टुकड़े रेत के टुकड़ों में चेंज हो जाते हैं, pebbles में, gravels and from the soil, जो क्या होते हैं, pebbles and gravels means कंकर के रूप में चेंज हो जाते हैं। इट मेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द रॉक्स टू क्रेक एंड फॉर्म द सॉइल। और इन्हें बहुत मिलियंस वर्ष लगते हैं इनको चेंज होने में, इन चट्टानों को मिट्टी में चेंज होने में। ओके, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, वाटर एंड विंड लोजन अप द रॉक सरफेस एंड ओपन अप क्रेक्स। जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा क्या होता है, इन रॉक्स में लूज हो जाते हैं ये, एंड इनकी जो सरफेस होती है वो क्रेक हो जाती है ऊपर से। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिपॉजिट इन द क्रेक्स। और क्या होता है, इसमें बहुत सारे सड़े गले पौधे, मरे हुए जीव जंतु इसमें क्या होते हैं, जम जाते हैं इन बीच में, इन क्रेक्स के बीच में। प्लांट्स रूट्स स्पीड अप वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और जो प्लांट की रूट्स होती है वो क्या करती है, स्पीड में क्या करती है, रॉक्स के बीच में ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। सॉइल लेयर बिकम डीप इनफ, और जो सॉइल की लेयर होती है, जो मिट्टी की लेयर होती है, गहराई में होती है बहुत, फॉर द ट्रीज टू ग्रो ऑन इट, जो क्या करती है, ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके, तो देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ सॉइल, मींस सॉइल की, मिट्टी की लेयर्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होता है टॉप सॉइल। ओके, इट इज द अपर मोस्ट लेयर विच इज डार्क इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। देखिए, ये सबसे अपर पार्ट होता है सॉइल का, जिसका कलर डार्क होता है, गहरा होता है, प्रेजेंस ऑफ, उसके ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं, ह्यूमस होते हैं, डेड एंड डिकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स रहते हैं, वो जो सड़े गले पौधे होते हैं, उनके कारण, इसके कारण इनका कलर डार्क होता है।
इट इज यूजुअली डार्क इन कलर बट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसका कलर अधिकतर डार्क होता है बट ये वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बहुत प्लेस में हर एक जगह हर एक स्थान पे ऐसा कलर होता है। इट इज वेरी फर्टाइल लेयर, और ये बहुत फर्टाइल होती है मीन्स खेती के लिए अच्छी लेयर होती है। द सॉइल इज पोरस सॉफ्ट एंड हैज मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और देखिए ये जो सॉइल होती है इसमें बहुत सारे पोरस होते हैं, बीच में बहुत गेप होता है, सॉफ्ट होती है और बहुत ज्यादा पानी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। सो प्लांट्स ग्रो इन द लेयर, तो जो प्लांट्स होते हैं वो इसी लेयर पे ग्रो करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स स्प्रेड वेल एंड गेट फिक्स्ड इन, और इसमें क्या होता है इस प्लांट की जो रूट होती है वो यहाँ पे फैल जाती है और अच्छे से फिक्स हो जाती है। ओके नेक्स्ट आती है हमारी लेयर सब सॉइल। सब सॉइल दिख रहा है आप लोगों को, जो मिडिल लेयर होती है इट इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल के जस्ट नीचे होती है। इट इज लाइटर इन कलर, इसका कलर बहुत हल्का होता है आफ्टर रेड और ग्रे, अधिकतर इसका कलर रेड और ग्रे होता है। हार्डर एंड कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू द टॉप सॉइल, और ये कैसी होती है जो टॉप सॉइल होती है उसकी कंपेयर बहुत हार्डर होती है, कठोर होती है। इट कंटेन्स मोर सैंड एंड हैज मेनी स्टोन्स, और इसमें अधिक मात्रा में रेत के कण और बहुत सारे कंकर पत्थर होते हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट के ग्रो करने के लिए अच्छी नहीं होती है। इट कंटेन वेरी लिटिल प्लांट एंड एनिमल्स मैटर, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। ओके अब नेक्स्ट आता है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक सबसे लास्ट की लेयर होती है। इट इज जस्ट बिलो द सब सॉइल, ये सब सॉइल के नीचे होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक, जिसे क्या बोलते हैं हम पेरेंट रॉक से नाम से भी जानते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्टोन ऑन रॉक्स, और ये किससे बनती है अधिकतर ये पत्थर और रॉक से मिलके बनी होती है। द सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी बिग, इसके जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। इट कंटेन्स नो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होते हैं। इट इज नॉन पोरस लेयर, और ये नॉन पोरस लेयर होती है, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी के बीच में जगह नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स आया आप लोगों को इतना समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।